देखिए अभी हमारे साथ में वही संतो बाबा है, जो संतो बाबा लगातार वायरल हो रहे हैं, संतो बाबा से मिलाते हैं और आज एक पहली बार एक प्रवचन सुनाते हैं संतो बाबा से। तो संतो बाबा एक प्रवचन सुनाइए, चूंकि आपका प्रवचन जो है लोगों ने शायद नहीं देखा होगा अभी तक, तो पहला प्रवचन आज तमाम लोगों को, दर्शकों को, भक्त लोगों को सुनाइए। क्या सुनना चाहते हैं आपका? संतो बाबा, हमारा ये सवाल है कि लोग बड़ा बन के रहना चाहते हैं, मतलब किस रूप में लोगों को रहना चाहिए, बड़ा बन के रहना चाहिए या छोटा बन के रहना चाहिए? चलिए, सबसे पहले तो आप दोनों न्यूज वाले पत्रकार आप मेरे तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय संतो बाबा। आप जो सवाल अभी किए हैं बहुत सुंदर सवाल किए हैं, बड़ा बन के रहना है कि छोटा बन के रहना है? बड़ा तो बनना ही है, फिर उसमें करना क्या है? तो इसके लिए तो कुछ संक्षेप में बताना पड़ेगा, ऑप्शन लेकर के बताना पड़ेगा आप लोग को। तो चलिए हाथ से ऑप्शन उठाते हैं जी। आप इसका नाम जानते हैं? इसका क्या नाम है? अंगूठा। इसका भूल गए। इसका चलिए किसी का नहीं जानते हैं। तो ये पांचों में एक दिन लड़ाई हुआ, आप लोग बताइए क्या हुआ? लड़ाई। तो पांचों में जब लड़ाई हुआ तो ये बोलता है मोटका, अंगूठा बोलता है चारों को, अच्छा। तू चारों क्या बोलेगा, हम अकेला चारों को दबा करके रखते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। ये अंगूठा कहता है तू चारों में कुछ पावर नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, मेरे डर से तू चारों हर हमेशा छिपल बैठता है, छिप छिप। हम एक को चापते हैं तो तीन जो है वो भी अपने आप डर से पीछे हट जाता है। कुछ देर के बाद ये बोलता है, सुनो अंगूठा बहुत बोलता है, तुमसे हम काम है क्या? तुझ में इतना शक्ति सामर्थ है, मुझ में नहीं है। तो अंगूठा बोलता है तू भी अपने आप व्याख्या करो क्या है। तो ये कहता है इसको तू क्या अपना शान दिखाएगा, तू क्या अपना पावर दिखाएगा, तू अपना क्या श्याम दिखाएगा, तू अपना क्या पावर दिखाएगा? पावर तो हम में है, पावर तो मुझ में है। जब जब मालिक को कोई शान दिखाने का काम करते हैं तो हम ही ऐसे जैसे करते हैं। उस विष फील्ड पे चारों भाग जाता है, हम अकेले लड़ते रहते हैं, हर सामर्थ्य किसी में, ये कहता है चारों को, है सामर्थ्य किसी में। मालिक जब खतरा में पड़ा हुआ रहता है, मालिक जब खतरा में रहता है तो कोई आगा आकर के कुछ करे, वो सामर्थ्य तो मुझ में है, तो चारों में नहीं है। थोड़ा देर के बाद ये बोलता है चुप, तो दोनों क्या बोलेगा, क्या पावर दोनों के पास है? कुछ नहीं है, मेरा सामर्थ्य जान ले। मालिक जब बहुत कमाता है, बहुत चित जब पहनता है तो पहले हम ही को घुसाता है, माने अंगूठी सबसे पहले हम लोग इसी में पहनते हैं। तो दोनों में क्या पावर है, तो दोनों क्या बताएगा? मालिक जब बढ़िया बढ़िया चीज पहनता है ना, खरीद के लाता है, तो हम ही को दान करता है पहले, है पावर, है किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो थोड़ा देर के बाद देखिए, थोड़ा देर के बाद क्या होता है, इसका जवाब सुनिए, ये क्या कहता है, ये बोलता है तीनों को, अरे तीनों तू क्या तीनों बोलेगा, तीनों में क्या पावर है? आप जो सवाल पूछे हैं दोनों आदमी कि बड़ा बन के रहना चाहिए कि छोटा बन के रहना चाहिए, उस पर आपको हम बता रहे हैं। तो यही बोलता है तू तीनों क्या बताएगा, तीनों में क्या पावर है? पावर तो हम में है। मालिक जब कोई शुभ काम करता है, मालिक जब कोई बड़ा काम करता है, चाहे विवाह हो कि यज्ञ हो, सर का सहारा हम ही बनते हैं, चाहे राजा हो कि महाराजा हो, वहाँ सर पे राज हम ही करते हैं, है किसी में ताकत नहीं है। तो बच गया ये कंगोरिया। तो ये चारू बोलता है भाई तू तो भी कुछ बोल, ये कहता है हम नहीं बोलेंगे।
सबसे बगल में मेरा घर है, सबसे कमजोर है, सबसे पतला है, भाई हम में क्या पावर है, हम क्या बोलेंगे। तो ये चारू कहता है जिद कर दिया कि नहीं कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये बोलता है ठीक है बोलना पड़ेगा, तो चारों आदमी ध्यान से सुनिए। और चारों आदमी ही नहीं मालिक को भी बोलते हैं, मालिक भी ध्यान से सुनिए। चारों उंगली तो ध्यान से सुनिए पर मालिक भी ध्यान से सुनिए। मालिक खुद जब कोई गलती काम करता है, मालिक खुद जब कोई गलत काम करता है, चारों तुम जब कोई गलत काम करते हो, तब चाहे पंच भगवान हो कि भगवान हो, चाहे पंच भगवान हो कि भगवान हो, सबके सामने हर हमेशा हम ही जा करके आगे खड़े होते हैं तो माफी मिलता है। चाहे पंच भगवान हो कि भगवान हो, सबके आगे पहले हम ही जा करके खड़े होते हैं तो मालिक को भी माफी मिलता है, चारों को माफी मिलता है, चाहे भगवान के आगे हो कि पंच भगवान के आगे। तो आप दोनों इससे समझ गए होंगे कि आदमी को बुद्धिमान रहना जरूरी है पर छोटा सिर लवा करके चलना भी जरूरी है। जो सन में रहते हैं, अकेला रहते हैं, वो हर हमेशा कमजोर पड़ते हैं। चलिए जय संतो बाबा, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा बाबा का कथा, और इस कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।